अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑरेंज जैम की रेसिपी। ऑरेंज जैम बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आजकल मार्केट के अंदर किन्नू बहुत अच्छे से आए हुए हैं, तो आप भी ये जो ऑरेंज जैम जरूर से बनाइए। बहुत इजी और सिंपल है इसको बनाना। आज हम बाजार से भी ज्यादा अच्छा ऑरेंज जैम घर में तैयार करेंगे, बहुत कम कीमत में, बहुत कम बजट में। इजीली ये तैयार हो जाता है। इसको तैयार करने में सिर्फ मुझे आधा घंटा लगेगा। और बाजार से ज्यादा हेल्दी जैम आप घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ना ही कोई ऑरेंज फूड कलर का यूज करेंगे, ना ही कोई केमिकल का यूज करेंगे। बिना केमिकल के, बिना कलर ऐड किए इतना जबरदस्त हेल्दी जैम आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं ऑरेंज जैम बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 8 ऑरेंज लिए हैं। आप चाहें तो 10 से 12 भी ले सकते हैं, जितना आपने बनाना हो उतना आप बना लीजिए। अब हम इसके ये जो छिलके हैं उनको उतार लेंगे। इन तमाम के छिलके हमने उतार लिए। अब हम इनको इस तरीके से अलग-अलग कर लेंगे। और अलग-अलग करने के बाद हमने इस तरीके से इनको बीच में से कट कर लेना है, क्योंकि हमने इसके निकालने हैं बीज। और इसी हिस्से के अंदर होते हैं बीज। आप किसी भी छुरी की मदद से, नाइफ की मदद से या कैंची की मदद से इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। बहुत आराम से इसके तमाम बीज निकल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने निकाल लिए। इस तरीके से जितने भी हैं तमाम के हम बीज निकाल लेंगे। अगर हमने बीज नहीं निकाले तो हमारे जो जैम है उसमें कड़वाहट आ जाएगी, कड़वा हो जाएगा। इसलिए तमाम को आपने निकाल लेने हैं, बहुत इजीली निकल जाएंगे। इन तमाम के बीज हमने निकाल लिए। अब हमने तैयार करना है इनका जूस। आप चाहें तो किन्नू को बीच में से दो हिस्सों में करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, या इस तरीके से आप इसको जूसर मशीन में डालकर भी इसका जूस निकाल सकते हैं। बस हमने इसका जूस तैयार करना है। यह हमने इसका जूस निकाल लिया। अब हम इसको किसी भी ऐसी छन्नी की मदद से जो कि मोटे दाने वाली हो उससे हम इसको अच्छे से छान लेंगे। इससे यह होगा कि तमाम जूस हमारे एक तरफ हो जाएगा और इसका ये जो फोकस है, ये जो छिलके हैं, ये तमाम अलहदा हो जाएंगे। ये तमाम का हमने जूस निकाल लिया और अब ये जो रह गया है इसको हम फेंक देंगे। इसका छिलका भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। छिलका हम डायरेक्ट कट करके नहीं डालेंगे, बल्कि जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से छुरी की मदद से हमने निकाल लेना है, वरना जो हमारा जैम है उसमें कड़वाहट आएगी, क्योंकि ये जो होता है इसके अंदर कड़वाहट होती है। तमाम को हम अच्छे से इस तरीके से छिल के निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको कट करके अपने जैम के अंदर शामिल करेंगे। चाहे तो इन छिलकों से इस तरीके से व्हाइट वाला हिस्सा रिमूव करने के बाद, निकालने के बाद आप इसका पेस्ट बना के 2 से 3 दूध के इसके अंदर शामिल कीजिए और बहुत अच्छी सी इसकी क्रीम तैयार कर सकते हैं। विटामिन सी की क्रीम तैयार हो जाएगी, जिससे आपका जो जिल्द है वो बहुत अच्छी सी ग्लो करेगी और वाइटनिंग आएगी आपकी जिल्द के अंदर। तो आप देख लीजिए, इसका हमने व्हाइट वाला हिस्सा पूरा निकाल दिया। अब हम इसको इस तरीके से लंबा लंबा शेप में कट कर लेंगे। इनको हमने अच्छे से कट कर लिया। अब हम जैम बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर इसको मेजरमेंट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से हमने चीनी भी शामिल करनी है। तो यहाँ पर हमने 2.5 कप के बराबर जूस इसमें डाल दिया। 2.5 कप हमारे माल्टे का जूस था, तो 2.5 कप यहाँ पर हम चीनी शामिल करेंगे। किसी भी कप से या गिलास से नाप कर जितना जूस निकलेगा उतना ही इसमें चीनी शामिल होगी। और अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम भर्ती करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। अब हमने चीनी को अच्छे से घुला लेना है, पिघला लेना है। इस वक्त गैस को हमने मीडियम से थोड़ा ज्यादा पे रखा हुआ है और हम इसी तरीके से चमचा चलाते हुए चीनी को अच्छे से घुला लेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसके अंदर हम माल्टे के कटे हुए छिलके शामिल कर लेते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम पे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे रखकर इसको ठीक होने तक पकाएंगे।
ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट के बाद इसमें हम लेमन शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक लेमन लिया है, इसको हम कट करके इसमें शामिल कर देंगे। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमने ऑरेंजेस के बीज निकाल लिए, इसी तरीके से हमने इस लेमन के भी बीज निकाल के ही इसमें जूस इसका शामिल करना है, वरना जैम के अंदर कड़वाहट आ सकती है। लेमन का रस शामिल करने से ये होगा कि हमारा जो जैम है वो खट्टा मीठा बहुत जबरदस्त फ्लेवर लेके आएगा। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि इसको आप कितने भी दिन रख सकते हैं, लेमन इसको खराब नहीं होने देगा। लेमन के रस से ये बहुत दिनों तक आपका सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। यहाँ पर हमने लेमन का रस इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चमचे चलाते हुए ठीक होने तक पकाएंगे। जब ये ठीक हो जाएगा तो समझो हमारा जो जैम है वह तैयार हो चुका है। अब आप ये देख सकते हैं हमारा जो जैम है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। इसको पकते हुए आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने इसको आधे घंटे में तैयार किया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस तरह आपने प्लेट में डाला, प्लेट में डालने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट इसी तरीके से छोड़ दीजिए। थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो आपको इसकी थिकनेस पता चल जाएगी कि ये कितना अच्छे से आपका बन चुका है। आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि ये कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको उतारेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारा जैम तैयार हो चुका है। बहुत जबरदस्त मजेदार सा जैम घर में आप इजीली तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने में आपने देखा मुझे ज्यादा कुछ मुश्किल पेश नहीं आई, और बहुत कम कीमत में, बहुत कम बजट में कितना जबरदस्त सा हमारा ये जैम तैयार हुआ है। आप इसको इस तरीके की एक शीशे की बोतल के अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। बस आपने सेव करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह ना हो, और जब आप इसको निकालें जब भी आपने गीला चमचा इसमें शामिल नहीं करना, वरना ये खराब हो जाएगा। आप किसी भी ऐसी बोतल में या डिब्बे में इसको सेव करके रख सकते हैं। आपके 3 से 4 महीने आराम से चलेगा अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, और अगर आप इसको फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 1 से 1.5 महीने इजीली आराम से चलेगा। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी चीज ऐसी यूज नहीं की जिससे कि ये खराब हो। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।